A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by Garima Singh. आज हम लोग BCA 4th sem की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 3rd है और इसकी यूनिट 2 चल रही है हम लोगों की. यूनिट 2 का नाम है सीक्वेंसेस. तो इसमें देखिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस. कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस SN. अब ये जो इस तरीके से लिखा रहता है साइन बना के, ये इस तरीके से लिखा होता है, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है, तो अ सीक्वेंस SN इज सेड टू बी कन्वर्ज टू अ नंबर L इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट का साइन ये होता है उल्टा E. अ पॉजिटिव इंटीजर M सच दैट मॉड SN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल. ये साइन उल्टा A, ये साइन किसका होता है? फॉर ऑल. इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल. N इज ग्रेटर देन इक्वल टू M. तो इस डेफिनेशन को समझेंगे. सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अगर कोई मतलब कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग पता होना चाहिए. कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि जहां पे वो सारी चीजें, कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कन्वर्ज हो रहा है. देखिए कहां, यहां पे बता देते हैं. कन्वर्ज का मतलब है, ये देखिए सारी लाइन आ रही है और ये एक पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है. ठीक है, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? ये एक पॉइंट है, इससे इधर 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 बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है. कन्वर्ज का मतलब होता है वो एक पॉइंट जो उस नंबर लाइन का, मान सकते हैं हम कि लास्ट पॉइंट है, वहां पे कन्वर्ज हो रहा है. तो देखिए अ सीक्वेंस SN इज सेट टू कन्वर्ज टू अ नंबर L. तो जो नंबर L है वो उस सीक्वेंस का क्या है? लास्ट नंबर है, ये हम मान सकते हैं. इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, कोई गिवन एप्सिलॉन है जो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, क्या है नहीं पता. देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर M. तो उस सीक्वेंस में कोई पॉजिटिव इंटीजर M है जो एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन वो छोटा है, किससे? N से. N इज ग्रेटर देन इक्वल टू M. तो M जो है वो N के इक्वल भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है. N इज ग्रेटर देन इक्वल टू M. M N क्या है? नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर ये टेंस टू इंफिनिटी हो सकता है, मतलब इंफिनिटी की तरफ ये बढ़ रहा है नंबर. आपको पता है नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है. 1, 2, 3, 4, 100, 1,000, 1,00,000, 1 crore तो कितनी भी हो सकती है. तो वो टेंस टू इंफिनिटी हो सकता है लेकिन इंफिनिटी नहीं होता है. ठीक है, तो जो M नंबर है, जो M इंटीजर है वो एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन वो छोटा है, किससे? N से. ठीक है, तो अब एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज हो रहा है. अ सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्ज टू अ नंबर L. L पे कन्वर्ज हो रहा है इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर M सच दैट. अब ये इसका आप समझ लीजिए, सीक्वेंस का फॉर्मूला है कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम क्या लिख सकते हैं? मॉड SN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू M. अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. द नंबर L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. L क्या है? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है. वही जो L है वो लास्ट पॉइंट है उस सीक्वेंस का, उसके बाद कोई नंबर नहीं है. या फिर आप ये बोल सकते हो कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है वहां पे. ठीक है, तो द नंबर L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस SN. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एस. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लिमिट N टेंस टू इंफिनिटी. जो N है, N नेचुरल नंबर से, N जो है वो टेंस टू इंफिनिटी है लेकिन इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी नहीं है. एस लिमिट N टेंस टू इंफिनिटी पे SN इज इक्वल टू L. SN इज इक्वल टू L मतलब
जो भी सीक्वेंस होगी अगर उसमें आप n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो आपको l, एक यूनिक नंबर आपको l मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट sn इज इक्वल टू l, द पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंड्स ऑन एप्साइलन। ये जो पॉजिटिव इंटीजर m है ये एप्साइलन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसकी क्या वैल्यू होगी। अब मॉड फॉर्मूला जो आपने यहां पे पढ़ा था, मॉड एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन, वही यहां पे लिखा है। अगर इस तरीके से लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी सीक्वेंस है एस एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन लेस देन एल प्लस एप्साइलन, ठीक है। एल वो यूनिक पॉइंट है। अब क्या लिखा है, एस एन बिलोंग्स टू, अब ये ओपन इस तरीके से अगर ब्रैकेट बना हुआ है तो इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल की एक लिमिट दी हुई है एल माइनस एप्साइलन, दूसरी दी हुई है एल प्लस एप्साइलन, मतलब एस एन जो है सीक्वेंस वो ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन है और लेस देन एल प्लस एप्साइलन है, ठीक है। अच्छा, ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसी तरीके से होता है कि एल प्लस एप्साइलन से लेस देन होगा सीक्वेंस और l माइनस एप्साइलन से ग्रेटर देन होगी। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता तो इसमें एक इस तरीके से, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता है तो नहीं, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू का साइन लग जाता है यहाँ पे, किसका लग जाता है, एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू l माइनस एप्साइलन लेस देन इक्वल टू l प्लस एप्साइलन, तो ये होता क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन ये ओपन इंटरवल के लिए आप इस तरीके से लिखते हो, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, एल प्लस एप्साइलन से जो एस एन की वैल्यू होगी वो एल प्लस एप्साइलन से क्या होगी, छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि बोल रहे हैं सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, एल पॉइंट पे। अगर एल में कुछ ऐड हो जाता है, यहाँ पे ऐड क्या हुआ है, प्लस एप्साइलन ऐड हुआ है, तो सीधी सी बात है कि जो सीक्वेंस होगी वो एल प्लस एप्साइलन से क्या हो जाएगी, छोटी। इसी तरीके से l माइनस एप्साइलन से बड़ी क्यों होगी, क्योंकि लास्ट पॉइंट अगर l है तो ग्रेटर, अगर उसमें से कुछ माइनस कर देंगे, l में से जो लास्ट पॉइंट है उसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, जो सीक्वेंस है वो l माइनस एप्साइलन से बड़ी है, बड़ी है और l प्लस एप्साइलन से छोटी है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।